हेलो दोस्तों, मैं मंगला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ प्याज पराठा। प्याज पराठा तो कई तरह से मैंने बनाए हैं, आज कुछ अलग सा बना रही हूँ, देख लीजिए। ये तीन प्याज लिया है मैंने, एक आधे इंच करीब अदरक का टुकड़ा, और ये थोड़ा लहसुन, और ये हरी मिर्च। इसको मैं पहले साफ करके काट करके फिर आ रही हूँ। ओके, इतना पैक कर लूँ फिर आ रही हूँ। ये देखिए, मैंने तेल बैठा दिया है, और ये प्याज लहसुन अदरक और ये हरी मिर्च को मैंने इस मशीन में थोड़ा सा, इसमें बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है, आँख जलता नहीं है। सबसे मेन चीज़ नहीं तो प्याज काटने में तो हालत ख़राब हो जाती है। मैंने दो बड़े बड़े प्याज लिए थे, इसको इस मशीन में मैंने कर लिया। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, सुबह से 4 बजे से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं है। मैं बम्बई में इस समय हूँ, काफ़ी बारिश में, तो हम लोग को क्या चाहिए, ये प्याज पराठा, प्याज पकौड़ा, ये सब अच्छा लगता है, तो यही मैं बना रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मुझे फ़ोरन देना है, ये मैं थोड़ा सा जीरा दे रही हूँ। देखिए, जीरा हाफ चम्मच करीब जीरा मैं दे रही हूँ। ओके, जीरा दूंगी और थोड़ा सा हींग दूंगी, हींग के लिए तो मुझे लाना ही है एक चम्मच, आपको दिखा दूं पहले, नहीं तो फिर ये मैं हींग दे रही हूँ। देखिए, हींग दे रही हूँ, थोड़ा सा और दे दूँ। हींग दे दूंगी, अब इसको एक प्याज को दे दूंगी, इतना बारीक होता है, देख लीजिए, बहुत ही बारीक होता है ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, जीरा और हींग का छौंका लगाया मैंने, और ये जाएगा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये तीखा वाला रेड चिली पाउडर, ये आमचूर बाद में दूंगी अभी, और नमक और हल्दी, तेज गैस करके थोड़ा सा भून लूँगी, हल्दी स्वाद अनुसार, नमक, बस इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए तब तक के लिए मैं इसको भूखी रहूँगी तेज गैस में। नमक हल्दी सब दे दिया मैंने, आमचूर पाउडर दे दूंगी, आमचूर पाउडर देकर थोड़ा मिला दूंगी,
एक चम्मच छोटी चम्मच से एक चम्मच दिया है मैंने। अब इसमें दूंगी मैं दो चम्मच बेसन, ये टेबल स्पून है। ज़रा सा मैं भून लूँगी इसको अच्छी तरह से, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से थोड़ा भूनना है। कच्चा पन चला जाए जरा। आप बेसन की जगह सत्तू भी दे सकते हैं, कोई भी एक बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग तो खैर इसमें मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए थोड़ा देना पड़ता है। या तो सूजी भी दे सकते हैं आप, जिसके पास जो जाता है उसी से यूज़ करते हैं। थोड़ा सा और मैं दे रही हूँ बस। इसके बाद धीमी आँच में थोड़ा सा मैं पका लूँगी, इसके बाद ही मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। बस ये बाइंडिंग के लिए हो गया। अब थोड़ा सा इसको भून लेना है बस। अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भून करके मैं बंद कर दूंगी ठंडा होने के लिए। फिलिंग तैयार है, प्याज की फिलिंग तैयार हो गई। थोड़ा सा भून लेना, कच्चापन चला जाए तब तक के लिए। ये देखिए ये पहले से मेरा सना था।